जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो ये जैसा कि के लिए है, जो स्पाइन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी आई हुई है अवेयरनेस प्रोग्राम में, और हमारे सारे लोग आए हुए हैं। जैसा कि गाइस देख सकते हैं, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए रैली निकाल रहे हैं, जो कि कहाँ से निकली है, आराम से चलेंगे। जैसा कि गाइस देख सकते हैं आप, हमारे सुजाय सर भी हैं, JMM भी हैं, और हमारे सीनियर्स लोग। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, वी आर अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वी डू मैजिक। हम बिना किसी मेडिसिन के इलाज करते हैं, थेरेपी देते हैं पेशेंट को, और हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। बाकी काफ़ी लोग वंचित हैं इस चीज़ से कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम लोगों ने नुक्कड़ प्ले भी किया है, और हमारे सारे फ्रेंड्स एंड सीनियर्स सहयोग करते हुए इस चीज़ में। जैसा कि देख रहे हैं, जो डेली एक्टिविटी का काम होता है, जैसे कि ये देख लो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इसमें भी, तो हम लोग उसको फिर से एक्टिविटी के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, हैंड फंक्शन वापस ला सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमारे बॉस जो हैं एक, वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो व्हील चेयर पर पेशेंट होते हैं वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं फंक्शनली, और अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, जो व्हील चेयर वाले लोग क्रिकेट मैच सारा सब कुछ खेलते हैं, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बड़ा योगदान होता है। और जो लोग अवेयर नहीं है, उसके लिए हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, और IMSBHU के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, IMSBHU के हम लोग स्टूडेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अकेले कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम होती है, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, सारे लोग मिलकर रिहैबिलिटेशन करते हैं, ताकि पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपने आप चल सके और सारा काम कर सके, जो डेली लाइफ में काम होता है, चलना फिरना, उठना एंड अदर चीज़ें जितनी। जैसा कि देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पैसे बैठे रहने में, तो हम लोग उसके लिए इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि कैसे आप लोग बिना व्हील चेयर पर बैठे अपना सारा काम कर सकते हैं। और हैंडीकैप जैसे पोलियो या अदर बीमारी से जो थोड़ा बहुत फंक्शन लॉस होता है, जैसा कि गाइस देख सकते हैं, इस सारनाथ का जो टेंपल है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, बनारस के सारनाथ के टेंपल में आए हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग दो नुक्कड़ प्ले नाटक कर चुके हैं, जो कि ऑटिज्म पे थे, ऑटिज्म के बच्चे का क्या क्या था, क्या उसे प्रॉब्लम होती है, कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हुए हैं कैसे करते हैं। और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पेशेंट का रोल कर रहे हैं, वो हमारे बॉस हैं, जो कि सीनियर हैं, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि हम जो रिहैब वाले हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, सारे जितने थेरेपिस्ट होते हैं, उनका सबके साथ रिहैब करके पेशेंट को इंडिपेंडेंटली चलने वाला बनाते हैं। ओ टेस्ट
यहाँ पर बाहर से लोग बहुत सारे लोग आते हैं, इसीलिए हम लोग ये स्पॉट चूज किया यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर भी है और एक प्रकार की दुकानें भी है। यहाँ पर गेस्ट लोग बहुत बड़े लोग आते हैं, जैसे कि ये मंदिर है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत गौतम बुद्ध जी का। और यहाँ ये हम देखो यहाँ पर थेरेपी का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए वी आर जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर गाइस फॉरेनर आए हुए हैं जो कि ऑलरेडी फॉरेन में बहुत अवेयरनेस है इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। फॉरेन में बहुत अवेयरनेस है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और यहाँ फॉरेन विजिटर बहुत आते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हमारे जो इंडियन लोग हैं बनारस के लोग या अदर स्टेट के लोग उनको पता चले ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। जैसा कि देख सकते हैं सारे लोग हैं यहाँ पर, हमारी मैम है, हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, सारे लोग हैं, ये हमारे सर हैं सुजाय सर, सारे लोग बहुत मेहनत करते हुए। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अपनी बस तक पहुंचने वाले हैं, हम लोग सुबह से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग ये हमारे यहाँ की रोड, अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है सारनाथ में। बस खड़ी हुई है जो कि कम्युनिटी मेडिसिन के IMS PHU की बस है जिससे हम लोग आए थे, अब इसी से हम लोग वापस जाएंगे। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा जिसमें बहुत, जैसा कि देख सकते हैं सारे लोग आ गए हैं लोकेशन पे, अभी इस बस से चलेंगे फिर से। सारे लोग काफ़ी हद तक बहुत अच्छा किया है हमने। हम लोग आ गए हैं, अब एक एक लोग बैठेंगे, हालांकि जैसा कि देख सकते हैं सारे लोग बैठ गए हैं, अब लास्ट में मैं बैठने जा रहा हूं, देखो जगह मिलती है कि नहीं मिलती। जैसा कि देख सकते हैं गाइस सारे लोग बैठ गए हैं, आ गए सारे, तो फिर से चलेंगे।